Hello students, I am Dr. Vinod Kamble. In this video, we are going to see the question, what is interpretation of data and what are the significance of interpretation of data? सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि interpretation word का मतलब क्या होता है. तो interpretation word का मतलब होता है understanding करना या किसी भी चीज का meaning find out करना. Now, interpretation of data का मतलब क्या होता है कि researcher जब data collect करके लाते हैं तो वो डेटा को उनको टैबुलर फॉर्मेट में या ग्राफ्स के अंदर प्रेजेंट करना होता है. फिर बाद में वो डेटा का एनालिसिस किया जाता है और वो डेटा क्या कह रहा है उसका मीनिंग जो होता है यहाँ पे रिसर्चर अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं. जैसे हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं कि एक पर्टिकुलर रिसर्चर है जो कस्टमर सेटिस्फेक्शन के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं, जहाँ पे उनको ये फाइंड आउट करना है कि कस्टमर जो है वो प्रोडक्ट के क्वालिटी से सेटिस्फाइड है कि नहीं. तो उन्होंने 100 लोगों का डेटा कलेक्ट किया, उसमें से 90% जो कस्टमर्स है या रिस्पोंडेंट्स है उन्होंने बोला कि दे आर हैप्पी विद द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट, एंड 10% जो लोग है उन्होंने बोला दे आर नॉट हैप्पी विद द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट. तो रिसर्चर ने डेटा कलेक्ट किया और वो डेटा को उन्होंने प्रॉपरली एनालाइज किया और उनको ये पता चला दैट मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल आर हैप्पी विद द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट. तो यहाँ पे रिसर्चर ने इंटरप्रिटेशन किया कि कस्टमर्स आर हैप्पी विद द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट. तो उसको हम लोग बोलेंगे इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा. So, जो भी डेटा रिसर्चर कलेक्ट करके लाते हैं उसको एनालिसिस करने के बाद में वो डेटा रिसर्चर को क्या कन्वे करना चाहते हैं उसी को यहाँ पे इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा बोलते हैं. तो इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा का मतलब क्या होता है, अंडरस्टैंडिंग व्हाट डेटा इज सेइंग. सो यहाँ पे डेटा इंटरप्रिटेशन का मीनिंग दिया है कि डेटा इंटरप्रिटेशन एक प्रोसेस है जहाँ पे जो भी डेटा कलेक्ट किया है उसमें से एक सेंस मेकआउट करने की या फाइंड आउट करने की कोशिश की जाती है कि ये डेटा में क्या लॉजिक है या ये डेटा क्या कहना चाहता है, या फिर यहाँ पे क्या किया जाता है जो भी डेटा है उसका रिलेशन फाइंड आउट करने की कोशिश की जाती है. सो जो भी डेटा होता है उसमें से सेंस फाइंड आउट करना या वो डेटा का रिलेशन फाइंड आउट करना उसी को यहाँ पे इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा बोला जाता है. जब भी रिसर्चर डेटा कलेक्ट करते हैं तो वो डेटा को वो अलग अलग तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं, जैसे बार ग्राफ के फॉर्म में उसको प्रेजेंट कर सकते हैं, लाइन चार्ट्स के फॉर्म में प्रेजेंट कर सकते हैं, टेबुलर फॉर्म मतलब के टेबल के फॉर्म में वो डेटा को प्रेजेंट कर सकते हैं या दूसरे किसी भी फॉर्म में डेटा को प्रेजेंट कर सकते हैं. फिर डेटा को प्रेजेंट करने के बाद में वो जो डेटा होता है उसका कनेक्शन फाइंड आउट करना जरूरी होता है. जैसे मैंने आप लोगों को बोला कि 90% पीपल आर सेइंग दैट दे आर सेटिस्फाइड विद द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट एंड 10% पीपल आर सेइंग दैट दे आर नॉट सेटिस्फाइड विद द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट. तो यहाँ पे क्या किया है रिसर्चर ने, कनेक्शन फाइंड आउट करने की कोशिश की है कि हाउ मेनी आर सेटिस्फाइड एंड हाउ मेनी आर नॉट सेटिस्फाइड, और उसमें से फिर रिसर्चर एक कंक्लूजन ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं दैट कंज्यूमर्स आर हैप्पी विद द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट. तो रिसर्चर ने डेटा को कलेक्ट किया, वो डेटा को उन्होंने प्रेजेंट किया और फिर बाद में वो डेटा को उन्होंने टेबल के फॉर्म में या ग्राफ्स के फॉर्म में प्रेजेंट किया और उसके वजह से उन्होंने डेटा के बीच में क्या कनेक्शन है वो फाइंड आउट करने की कोशिश करके उसमें से कंक्लूजन ड्रॉ किया. दिस इज कॉल्ड एज इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा. नाउ जब भी डेटा का इंटरप्रिटेशन किया जाता है उसके बाद में वो डेटा जो होता है वो उनकी जो हायर अथॉरिटी होती है उनको कम्युनिकेट करना पड़ता है. जैसे कि सपोज हम लोग किसी कंपनी के लिए रिसर्च कर रहे हैं और हमने वो कंपनी के जो कस्टमर से उनका डेटा कलेक्ट किया, तो डेटा कलेक्ट करने के बाद में वो डेटा को हमने एनालिसिस करके उसका इंटरप्रिटेशन किया. अभी इंटरप्रिटेशन करने के बाद में वो डेटा क्या कहता है वो उस कंपनी के जो हायर अथॉरिटी होंगे जैसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होंगे उनको कम्युनिकेट करना जरूरी होता है. तो जब भी डेटा कलेक्ट करते हैं उसका एनालिसिस होता है, उसका इंटरप्रिटेशन होता है, उसके बाद में वो डेटा क्या कह रहा है वो प्रॉपर अथॉरिटी को कम्युनिकेट करना जरूरी होता है और ये कम्युनिकेशन जो होता है वो रिसर्च रिपोर्ट के थ्रू होता है. तो जो भी रिसर्चर ने यहाँ पे इंटरप्रिट किया है डेटा को उसको उनको एक रिसर्च पेपर के अंदर लिखना पड़ता है और वो रिसर्च रिपोर्ट जो होता है वो अथॉरिटी को सबमिट करना पड़ता है. तो इस तरीके से ये जो रिसर्च का डेटा होता है उसको इंटरप्रिट किया जाता है और उसमें से जो भी फाइंडिंग्स रिसर्चर को पता चले वो रिसर्चर रिसर्च रिपोर्ट के थ्रू कंसर्न अथॉरिटी तक पहुंचाते हैं. Now we will see the significance of interpretation of data. So the first significance is informed decision making. इन्फॉर्म डिसीजन मेकिंग का मतलब क्या होता है कि जो भी decisions फैक्ट के बेसिस पे या इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे लिए जाते हैं उसको इन्फॉर्म डिसीजन मेकिंग बोला जाता है. मतलब यहाँ पे रिसर्चर प्रॉपर इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं और वो इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे सारे डिसीजन लेते हैं.
तो यहाँ पे रिसर्चर क्या कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करके जो भी वेरिएबल्स है उनमें एक रिलेशन फाइंड आउट करते हैं। वेरिएबल्स का मतलब क्या है, जैसे कि सपोज हमने एग्जांपल लिया था प्रोडक्ट की क्वालिटी और लोगों का सेटिस्फेक्शन, तो क्वालिटी एक वेरिएबल हो गया और कस्टमर का सेटिस्फेक्शन एक दूसरा वेरिएबल हो गया। तो ये दोनों में क्या रिलेशन है वो यहाँ पे फाइंड आउट करते हैं और उसमें से कंक्लूजन निकालते हैं। तो यहाँ पे रिसर्चर ने क्या किया, प्रॉपर इंफॉर्मेशन को कलेक्ट किया है, फैक्ट को कलेक्ट किया है, उसको उन्होंने एनालिसिस करके कंक्लूजन ड्रॉ किया हुआ है। तो उसके वजह से रिसर्चर को यहाँ पे डिसीजन बनाने में हेल्प हो रहा है। मतलब बिना किसी इंफॉर्मेशन के या बिना किसी फैक्ट के यहाँ पे कोई भी डिसीजन नहीं लिया है, प्रॉपर इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने के बाद में यहाँ पे डिसीजन लिया है। तो इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा जो होता है वो रिसर्चर को इन्फॉर्म डिसीजन लेने में या नॉलेज को गेन करने में हेल्प करता है। सेकेंड सिग्निफिकेंस इज एंटीसिपेटिंग नीड्स विथ ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन। नाउ ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन का मतलब क्या होता है कि क्या पैटर्न चल रहा है मार्केट में या किस चीज की मार्केट में डिमांड है, तो वो एंटीसिपेट करने में यहाँ पे रिसर्चर को हेल्प होता है। तो डेटा इंटरप्रिटेशन की वजह से रिसर्चर क्या कर सकते हैं, फ्यूचर को प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि फ्यूचर में किस चीज की डिमांड हो सकती है। और ये फ्यूचर के ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने के वजह से रिसर्चर को काफी सारे यहाँ पे इनसाइट्स और काफी सारे इनडेप्थ विजिबिलिटी मिलती है। मतलब इन शॉर्ट यहाँ पे रिसर्चर ने फ्यूचर के ट्रेंड को आइडेंटिफाई किया और उसके वजह से रिसर्चर को काफी सारे इंफॉर्मेशन जो है वो पता चली। जैसे कि एग्जाम्पल हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि एक रिसर्चर जो है उन्होंने कंज्यूमर बिहेवियर के ऊपर डेटा कलेक्ट किया है और वो कंज्यूमर बिहेवियर के डेटा के हिसाब से उनको पता चल सकता है कि कस्टमर का बाइंग पैटर्न क्या है या कस्टमर के रिक्वायरमेंट्स क्या है। तो उसके हिसाब से वो क्या कर सकते हैं, कस्टमर को फ्यूचर में क्या चाहिए वो उनको पता चलेगा और वो प्रोडक्ट को बना के कस्टमर को ऑफर कर सकते हैं, जिसकी वजह से उनका बिजनेस ग्रो करने में उनको हेल्प हो सकता है और उनका प्रॉफिटेबिलिटी भी यहाँ पे बढ़ सकती है। सो डेटा इंटरप्रिटेशन जो होता है वो रिसर्चर को फ्यूचर प्रेडिक्ट करने में हेल्प करता है और फ्यूचर प्रेडिक्ट करने की वजह से यहाँ पे रिसर्चर को काफी सारे इनसाइट्स और इनडेप्थ विजिबिलिटी मिल सकती है। मतलब कस्टमर को क्या सर्व करना है वो यहाँ पे रिसर्चर को इजीली पता चल सकता है। थर्ड सिग्निफिकेंस इज कॉस्ट एफिशिएंसी। नाउ जब भी यहाँ पे अप्लाइड रिसर्च होता है, अप्लाइड रिसर्च का मतलब ही होता है कमर्शियल रिसर्च, मतलब जैसे कि कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी कम हो रही है तो प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ाने के लिए रिसर्च किया जा रहा है, या कंपनी का सेल्स कम हो रहा है तो सेल्स बढ़ाने के लिए यहाँ पे रिसर्च किया जा रहा है। तो बेसिकली यहाँ पे नॉलेज पर्पस के लिए सिर्फ रिसर्च नहीं किया जा रहा है, तो कंपनी का ग्रोथ या कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी को बढ़ाने के लिए यहाँ पे रिसर्च किया जा रहा है, उसको यहाँ पे अप्लाइड या कमर्शियल रिसर्च बोला जाता है। तो जब भी अप्लाइड या कमर्शियल रिसर्च किया जाता है और डेटा को प्रॉपरली इंटरप्रेट किया जाता है तो उसके वजह से जो बिजनेस है उसको काफी सारे कॉस्ट बेनिफिट्स मिलते हैं। जैसे कि डेटा एनालिसिस के वजह से मैनेजमेंट को एक अलर्ट मिलता है कि कहाँ कहाँ पे वो अपने कॉस्ट को रिड्यूस कर सकते हैं। तो कुछ कंपनीज होती है वो क्या करती है, कॉस्ट रिडक्शन के लिए रिसर्च करते हैं, उसकी वजह से उनको पता चलता है कि कहाँ कहाँ पे उनका कॉस्ट बढ़ रहा है और कहाँ कहाँ पे वो अपने कॉस्ट को कम कर सकते हैं। तो एक बार उनको पता चल गया कि यहाँ पे हम लोग का कॉस्ट जो है वो काफी ज्यादा बढ़ रहा है और यहाँ पे हम लोग कॉस्ट को बचा सकते हैं, तो उस हिसाब से नेसेसरी स्टेप्स लेके कंपनी जो है वो क्या कर सकते हैं, अपने कॉस्ट को मिनिमाइज कर सकती है। और आपको पता है कि आजकल अगर कंपनी को अपनी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ानी है, कंपनी को ग्रो करना है, तो उनको कॉस्ट एफिशिएंट होना काफी जरूरी है। मतलब बिजनेसेस यहाँ पे प्राइस बढ़ा के अपनी प्रॉफिटेबिलिटी नहीं बढ़ा सकते हैं, तो कॉस्ट एफिशिएंट होके अपना प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ा सकते हैं। तो इंटरप्रिटेशन के वजह से यहाँ पे रिसर्चर को पता चलता है कि कहाँ कहाँ पे कंपनी का कॉस्ट बच सकता है और उस हिसाब से कंपनी वहां वहां अपना कॉस्ट जो है बचा सकते हैं और कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी जो है वो बढ़ा सकते हैं। तो इस तरीके से कॉस्ट एफिशिएंसी में भी इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा जो है काफी ज्यादा हेल्प करता है। फोर्थ सिग्निफिकेंस इज गाइड फॉर फ्यूचर रिसर्च। नाउ डेटा इंटरप्रिटेशन में रिसर्चर जो है वो दो कॉन्सेप्ट का रिलेशन फाइंड आउट करते हैं और उसके बेसिस पे उनको फ्यूचर रिसर्च के लिए गाइडेंस मिलता है। जैसे कि सपोज एक पर्टिकुलर बिजनेसमैन है, वो ये फाइंड आउट करना चाहते हैं कि कस्टमर जो है वो उनके प्रोडक्ट से क्यों सेटिस्फाइड नहीं है, तो उसके लिए उन्होंने पहले कस्टमर्स को प्राइस के बारे में क्वेश्चन पूछा कि वेदर कस्टमर्स फाइंड द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट रीजनेबल और नॉट। तो वहां पे उन्होंने वो डेटा कलेक्ट किया प्राइस के बारे में और उनको ये पता चला कि प्राइस में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो उन्होंने बेसिकली क्या किया, प्राइस और कस्टमर की जो प्रोडक्ट की डिमांड है उसका उन्होंने रिलेशन फाइंड आउट करने की कोशिश की और उनको पता चला कि प्राइस में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, कस्टमर को प्राइस जो है वो रीजनेबल लगता है। फिर बाद में रिसर्चर वहां से क्या कर सकता है, फ्यूचर रिसर्च कर सकता है जहां पे वो ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि प्रमोशन में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना, प्रमोशन लोगों को इनइफेक्टिव तो नहीं लग रहा है ना,
फिर बाद में रिसर्चर वहां पे प्रमोशन के बारे में कस्टमर्स को क्वेश्चन पूछेंगे कि उनको प्रमोशन जो है वो इफेक्टिव लगता है कि नहीं, प्रमोशन जो है उनको अट्रैक्टिव लगता है कि नहीं, और उसके हिसाब से वो उसमें रिलेशन फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे कि प्रमोशन और कस्टमर की डिमांड इसमें कोई रिलेशन है क्या। तो इस तरीके से यहाँ पे क्या हुआ कि पहला जो रिसर्च वो बिजनेसमैन ने किया था, जहाँ पे उन्होंने प्राइस और कस्टमर का डिमांड इसका रिलेशन फाइंड आउट करने की कोशिश की और उसमें उनको कोई भी रिलेशन नहीं मिला। फिर बाद में उन्होंने प्रमोशन और कस्टमर डिमांड के ऊपर रिसर्च किया, उसका रिलेशन फाइंड आउट करने की कोशिश की। तो इस हिसाब से यहाँ पे क्या हो गया कि पहला जो उन्होंने रिसर्च किया उसके बेसिस पे उनको फ्यूचर रिसर्च का एक गाइडेंस मिला। तो इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा जो है वो रिसर्चर को फ्यूचर रिसर्च करने में हेल्प करता है। अगर पहले रिसर्च में उनको कोई भी रिलेशनशिप नहीं मिला तो वो दूसरा रिसर्च करके देख सकते हैं कि उसमें कोई रिलेशन है क्या, वहां पे वो दो कॉन्सेप्ट को स्टडी कर सकते हैं और उनका रिलेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इस हिसाब से इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा जो है रिसर्चर को फ्यूचर स्टडीज के लिए या फ्यूचर रिसर्च के लिए हेल्प करता है या गाइड करता है। नेक्स्ट सिग्निफिकेंस इज स्टिमुलेट क्वेस्ट फॉर मोर नॉलेज। क्वेस्ट का मतलब होता है सर्च। तो डेटा इंटरप्रिटेशन की वजह से जो रिसर्चर है वो ज्यादा ज्यादा नॉलेज जो है वो सर्च करने के लिए यहाँ पे स्टिमुलेट होते हैं, बिकॉज डेटा इंटरप्रिटेशन की वजह से उनको नए नए एवेन्यूज पता चलते हैं, मतलब नई नई इन्फॉर्मेशन उनको पता चलती है, जिसकी वजह से वो जो रिसर्चर है उनका नॉलेज जो है वो इंक्रीज होने में हेल्प हो सकता है। जैसे कि एक कोई बिजनेसमैन है जो एक पर्टिकुलर एरिया का रिसर्च करके वहाँ के कस्टमर्स का सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस फाइंड आउट करना चाहते हैं, तो वो लोग वहाँ पे रिसर्च करके डेटा कलेक्ट करेंगे और वो डेटा को वो इंटरप्रिट करेंगे, जो उसकी वजह से वो एरिया के जो कस्टमर्स थे उनका सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस जो है वो रिसर्चर को पता चलेगा। तो उसकी वजह से क्या हो रहा है कि वो जो बिजनेसमैन है उनके नॉलेज में और एडिशनल इन्फॉर्मेशन जो है एड ऑन होते जा रही है। तो इस तरीके से इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा जो है वो रिसर्चर को यहाँ पे ज्यादा ज्यादा नॉलेज जो है वो सर्च करने में मोटिवेट करता है और उनका नॉलेज जो है एनहांस करने में हेल्प करता है। एंड द लास्ट सिग्निफिकेंस इज अंडरस्टैंड एब्स्ट्रैक्ट प्रिंसिपल। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है? अनक्लियर। तो इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा के वजह से रिसर्चर जो है वो अनक्लियर इन्फॉर्मेशन को यहाँ पे अंडरस्टैंड कर सकता है, क्योंकि जब भी रिसर्चर डेटा कलेक्ट करके लाते हैं तो वो डेटा जो होता है वो रॉ फॉर्म में होता है, और रॉ फॉर्म में जब डेटा होता है तो वो काफी एब्स्ट्रैक्ट होता है, मतलब वो अनक्लियर होता है, रिसर्चर को पता नहीं होता है कि वो डेटा क्या कह रहा है। लेकिन रिसर्चर वो डेटा को कलेक्ट करके लाने के बाद में उसको प्रोसेसिंग करते हैं, एनालाइज करते हैं, और उसके वजह से रिसर्चर को वो डेटा जो है वो अंडरस्टैंड करने में हेल्प होता है, क्योंकि वो डेटा जो है वो अभी प्रोसेसिंग करने के बाद में, एनालिसिस करने के बाद में वो कॉन्क्रीट फॉर्म में हो गया। कॉन्क्रीट फॉर्म का मतलब क्या है? वो डेटा को रिसर्चर ने प्रोसेसिंग करके, एनालाइज करके उसका टेबल बनाया हुआ है और वो अभी डेटा क्या हो गया, पूरी तरीके से कॉन्क्रीट हो चुका है। तो रिसर्चर वो डेटा को इजीली समझ सकता है, लेकिन जब वो डेटा रॉ फॉर्म में था तो रिसर्चर के लिए वो रॉ फॉर्म का डेटा जो है समझना काफी ज्यादा इजी नहीं था। लेकिन बिकॉज रिसर्चर ने उसको प्रोसेसिंग करके एनालाइज किया, वो डेटा भी कॉन्क्रीट फॉर्म में हो गया है और अभी रिसर्चर को डेटा समझना काफी ज्यादा इजी हो चुका है। सो ये सारे थे सिग्निफिकेंस ऑफ इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा। अभी जब भी डेटा इंटरप्रिटेशन किया जाता है तो उसमें कुछ प्रिकॉशंस लेने पड़ते हैं, जिसमें सबसे पहला प्रिकॉशन ये है कि जो भी डेटा कलेक्ट किया जा रहा है वो अप्रोप्रिएट होना चाहिए, मतलब प्रॉपर होना चाहिए, ट्रस्टवर्दी होना चाहिए, मतलब रिलायबल डेटा होना चाहिए। कहीं से भी डेटा कलेक्ट करके लाना या फिर फेक डेटा कलेक्ट करके लाना ऐसा नहीं होना चाहिए, और वो डेटा एडिक्वेट होना चाहिए, मतलब जितना जरूरी डेटा है उतना होना चाहिए, और उसके हिसाब से ही वहां पे जो इंटरप्रिटेशन है वो पॉसिबल होगा। मतलब डेटा को अगर प्रॉपरली इंटरप्रिटेशन करना है तो उसके लिए डेटा प्रॉपर होना चाहिए, तब जाके उसका इंटरप्रिटेशन प्रॉपर हो सकता है। दूसरा, डेटा के अंदर प्रॉपर होमोजेनिटी होना जरूरी है। होमोजेनिटी का मतलब क्या होता है? सिमिलर टाइप ऑफ डेटा होना चाहिए। जैसे कि सपोज हम लोग कस्टमर सेटिस्फेक्शन के ऊपर अगर रिसर्च कर रहे हैं तो जिस प्रोडक्ट के लिए हम लोग कस्टमर का सेटिस्फेक्शन का डेटा कलेक्ट कर रहे हैं वो प्रोडक्ट वो कस्टमर ने यूज करने वाला होना चाहिए, मतलब वो कस्टमर प्रोडक्ट को यूज नहीं करते हैं तो हम लोग उनको सेटिस्फेक्शन के बारे में क्वेश्चन नहीं पूछ सकते हैं या सेटिस्फेक्शन के बारे में उनके पास से डेटा नहीं कलेक्ट कर सकते हैं। तो अगर सपोज हमने 100 लोगों का डेटा कलेक्ट किया है कस्टमर सेटिस्फेक्शन के ऊपर, उसमें से 20 कस्टमर्स ऐसे है जो वो प्रोडक्ट को यूज ही नहीं करते हैं, तो ऑब्वियसली वो डेटा के अंदर होमोजेनिटी नहीं है, तो वहां पे इंटरप्रिटेशन जो है वो रॉन्ग हो जाएगा। फिर बाद में जो डेटा कलेक्ट करके लाया है वो डेटा का प्रॉपर एनालिसिस होना भी जरूरी है, और एनालिसिस के लिए वह प्रॉपर स्टैटिस्टिकल मेथड जो है वहां पे यूज होना चाहिए। ना अलग अलग स्टैटिस्टिकल मेथड जो है वो हम लोग ने देखे थे, तो उसमें से जो करेक्ट वाला स्टैटिस्टिकल मेथड है वो यूज करना जरूरी है।
तो डेटा का जब एनालिसिस प्रॉपर होगा उसके लिए प्रॉपर स्टैटिस्टिकल मेथड अगर यूज होगा तो इंटरप्रिटेशन प्रॉपर होगा। लेकिन स्टैटिस्टिकल मेथड हमने रॉन्ग यूज किया है उसके वजह से डेटा का एनालिसिस रॉन्ग हुआ है तो इंटरप्रिटेशन भी यहाँ पे रॉन्ग हो सकता है। फिर बाद में रिसर्चर जो होते हैं उनको पता होना चाहिए कि जब भी इंटरप्रिटेशन किया जाता है तो उसके अंदर क्या क्या एरर्स हो सकते हैं, तो उसके लिए रिसर्चर को प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए कि कौन सा स्टैटिस्टिकल मेजर जो है वो यूज करना है, तो उसके वजह से इंटरप्रिटेशन करेक्ट हो सकता है। अगर सपोज रिसर्चर को प्रॉपर स्टैटिस्टिकल मेजर पता नहीं है तो उसके वजह से उसका इंटरप्रिटेशन रॉन्ग हो सकता है और उसका कंक्लूजन जो है वो रॉन्ग ड्रॉ होगा। और लास्ट है कि जो भी डेटा का एनालिसिस किया जाता है उसमें प्रॉपर प्रिकॉशंस लेना जरूरी है, बिकॉज रॉन्ग तरीके से अगर डेटा का एनालिसिस किया जाएगा तो उसकी वजह से इंटरप्रिटेशन भी रॉन्ग हो सकते हैं। सो दिस वॉज ऑल अबाउट इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा। ये मेरे URL है जहाँ से मैंने इमेजेस लिए हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स, प्लीज डू लाइक शेयर कॉमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई YouTube चैनल एंड ऑल्सो रिकमेंड माई चैनल टू योर फ्रेंड्स। वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो।